दोस्तों टीवी के सबसे कॉन्ट्रोवर्शियल शो बिग बॉस के आखिरी दो हफ्ते काफी दिलचस्प होते हैं। इस शो के करंट सीजन यानी कि बिग बॉस 14 के फिनाले से पहले घर के अंदर एक के बाद एक काफी हंगामा होता नजर आ रहा है। हाल ही में शो में कंटेस्टेंट के कनेक्शंस की एंट्री हुई है, ऐसे में कंटेस्टेंट्स के बीच फिनाले की रेस में आगे निकलने की होड़ साफ देखी जा रही है। बिग बॉस 14 के कंटेस्टेंट्स को फिनाले से पहले टिकट टू फिनाले टास्क मिला है। ताजा रिपोर्ट्स की माने तो इस टास्क के आखिर तक अलीगोनी राहुल वैद्य और रूबीना दिलैक डटी रही। लेकिन क्या आप जानते हैं कि टिकट टू फिनाले टास्क आखिर जीता किसने है? तो आपको जानकर हैरानी होगी कि टिकट टू फिनाले रिपोर्ट्स के मुताबिक रूबीना दिलैक जीत चुकी हैं। वेल, हमने आपको टास्क के विनर का नाम इसलिए बता दिया क्योंकि आपका इंतजार हम खत्म करना चाहते थे। जी हाँ, हमारे हाथ इस टास्क के विनर का नाम लग चुका है। सामने आ रही जानकारी की माने तो छोटी बहू फेम रूबीना दिलैक इस टास्क को जीत चुकी हैं। ऐसे में जासमीन बसीन अलीगोनी और राहुल वैद्य को बहुत बड़ा झटका लगा है ये जानकर कि रूबीना टिकट टू फिनाले टास्क जीत गई है, क्योंकि इस टास्क को जीतने के लिए सभी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है। रूबीना दिलैक ने टिकट टू फिनाले टास्क में राहुल वैद्य को कड़ी टक्कर दी है। टास्क में राहुल वैद्य ने अपना 100% दिया है। खैर, जैसे ही इस टास्क के संचालक पारस छाबड़ा ने रूबीना दिलैक को विनर करार दिया, घर में काफी हंगामा भी हुआ है। रूबीना दिलैक लगभग एक हफ्ते से घर में बेघर होने के लिए नॉमिनेट होती है। हर हफ्ते सबसे ज्यादा वोट उन्हें ही मिलते हैं। इस बात से ये साफ है कि रूबीना दिलैक के फैंस उन्हें कभी भी मुश्किल घड़ी में नहीं डालना चाहते हैं। फिलहाल तो कमेंट बॉक्स में आकर हमें ये बताएं कि आज रात के एपिसोड के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि टिकट टू फिनाले टास्क का विनर घोषित होगा आज रात के एपिसोड में।